सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं HDFC बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, यानी कि आप घर बैठे HDFC बैंक में अपना अकाउंट को खुलवा सकते हैं। सो गाइज, इसके लिए वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद में जो बेल का आइकन आता है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, सिर्फ आप 5 या 10 मिनट के अंदर में आप HDFC बैंक में अपना अकाउंट को खुलवा सकते हैं। उसके बाद आपके मन में एक क्वेश्चन यह होगा कि भाई, क्या हमें ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक ना एक बार बैंक में जाना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको सब कुछ ऑनलाइन ही मिल जाएगा, यानी कि कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको HDFC के बैंक में जाना हो। उसके बाद आपके मन में यह भी सवाल होगा कि भाई, ऑनलाइन अप्लाई करने के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, या ऑनलाइन जब अप्लाई कर देंगे तो वो जो पासबुक होगा जो HDFC बैंक का होगा, या पासबुक के साथ साथ जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो मिलता है वो हमें कैसे मिलेगा, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए वीडियो को देखते रहिएगा पूरे लास्ट तक अच्छे से ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या हमें बैंक में जाना होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको एक बार भी बैंक में जाना नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, आपका मन में एक ये भी कन्फ्यूजन होगा कि अकाउंट ऑनलाइन अप्लाई करते समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, तो यहाँ पर एक भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करते समय नहीं देना है। यानी कि बहुत ऐसे वेबसाइट पे होते हैं कि बहुत सारे अकाउंट ओपन करने समय आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट को स्कैन कॉपी करवाकर अपलोड करना होता है, पर यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाकर अपलोड बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपके मन में यह सवाल था कि यह पिन जो होता है, जो क्रेडिट कार्ड होगा या डेबिट कार्ड होगा या आपका पासबुक जो होगा, वो आपको कैसे मिलेगा। तो जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के 48 घंटे के अंदर में आपको एक मोबाइल पे एक मैसेज आएगा सबसे पहले कि 48 घंटे के अंदर में कोई भी कंपनी HDFC वाले बैंक वाले आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ईमेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, और वो आपसे एक टाइमिंग पूछेंगे कि किस टाइमिंग पे आप जो है फ्री रहते हैं, घर पे या ऑफिस में कहीं पर भी। वहाँ पर HDFC बैंक वाले के तरफ से कोई बंदा आएगा, वो आपका सारा डॉक्यूमेंट लेगा और डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर में आपको पासबुक और कार्ड जो है प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यह है कि हम लोग चलेंगे HDFC के वेबसाइट पे और वहाँ पर जाने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। दोस्तों, आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो HDFC बैंक अकाउंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर और कंटिन्यू यूजिंग मोबाइल नंबर। इससे आप जो है सो नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 सिंपल स्टेप में आप यह कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद HDFC बैंक अकाउंट के तरफ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने आएंगे और उसके बाद आपको जो है सो किट दे दिया जाएगा। और नीचे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन हम लोग क्यों अप्लाई करें, उसके सारा रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कहीं पर भी बैठकर आप जो है सो अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो है सो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है आपको तुरंत आपको मिल जाएगा और ये सब आपको घर पे ही मिल जाएगा और एप्लीकेशन से सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। कंटिन्यू यूजिंग मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आप जो भी मोबाइल नंबर यूज करते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करें, उसके बाद ओके पर क्लिक करें और दोबारा सबमिट पर फिर से क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यह एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा जिसे भरना होगा। दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको कैसा अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पर हम सिंगल अकाउंट ओपन करेंगे। अगर ज्वाइंट करना चाहते हैं तो ज्वाइंट कर सकते हैं, नॉमिनी में नो कर देंगे क्योंकि बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं और ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है रेगुलर सेविंग अकाउंट, उसके बाद प्रोडक्ट वेरियंट, उसके बाद सेविंग मैक्स अकाउंट मिल जाता है, सीनियर सिटीजन अकाउंट मिल जाता है, वुमन सेविंग अकाउंट मिल जाता है और डिजी सेव यूथ अकाउंट मिल जाता है। सारे अकाउंट का जो है सो अलग अलग मतलब की चीज़ें हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट चूज करूँगा। इसमें 5,000 रुपये जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है अगर आप गांव से है तो। और यहाँ पर आपको फुल नाम डालना है, तो यहाँ पर आप फुल नेम जो है सो डाल दीजिए।
जो भी आपको इसके रिलेटेड आपको जो भी जानकारी लेना होगा तो इन बैंक के तरफ से आपको जो आदमी आएगा उससे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टेट में बिहार हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है। सिटी सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको क्या होगा कि आपके सिटी में जितने भी ब्रांचेज होंगे वो सारे ब्रांचेज के नेम आ जाएंगे बगल में। उसमें से जो भी आपका नज़दीकी ब्रांच होगा उसको आप सेलेक्ट कर लें ताकि कभी भी कोई काम आए तो आपको आसानी हो। तो यहाँ पर मैंने नज़दीकी ब्रांच सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यह ऑप्शन आएगा। इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है वो सब डालना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कंप्लीट योर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल जो है सो डालना होगा, जिसके मदद से आपका अकाउंट जो है बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना टाइटल चूज कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फुल नाम डालना है। अगर फुल नाम नहीं आता यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट टाइम में डाले थे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका अपना मदर का नाम डालना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर अपना 91 करके जो भी आपका कोड है वो कोड डालकर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। दोनों में आप सेम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अगर एक ही मोबाइल नंबर से अकाउंट में देना चाहते हैं तो एक ही नंबर जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको आपका ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी डिटेल होंगे वो सारे ईमेल एड्रेस पर ही आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ वही डालना आप जो आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको पैन कार्ड यहाँ पर नंबर डालना है। अगर है तो यस पर क्लिक करके पैन नंबर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। बहुत सिंपल है एड्रेस। एड्रेस डालने के बाद रेसिडेंस टाइप में आपको बताना है कि आपका जो घर है वो रेंट का है या आपका पर्सनल है या आपका खुद का घर है। तो यहाँ पर मैं अब कर दूंगा ऑन बाय सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है सब कुछ। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड डाल देना है। सेम एड्रेस अगर है परमानेंट एड्रेस तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका एड्रेस जो है सेम हो जाएगा। और अगर आपका सेम एड्रेस नहीं है तो परमानेंट एड्रेस में आप अपना दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन डिटेल देना होगा कि आप क्या करते हैं और आपका मंथली इनकम एनुअल इनकम जो है कितना है। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी है सेलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ फंड, आप कैसे पैसे कमाते हैं, आपके पास पैसे कैसे आते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर है, बिजनेस इनकम है, ये सब पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऊपर आप यहाँ पर जो है सो हाउसवाइफ मम्मी के लिए बना रहे हैं तो कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कर देंगे बिजनेस इनकम। उसके बाद कितना इनकम होता है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड है इस अकाउंट का, एचडीएफसी का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे नो पे, क्योंकि अभी अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग के पास कोई भी कार्ड नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, आधार कार्ड का एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर सकते हैं अगर आप अपलोड करना चाहे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद रिव्यू पर क्लिक करके प्रीव्यू पर आप एक बार देख लें, पर हम देख चुके हैं इसलिए डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया थैंक यू फॉर अप्लाइंग HDFC बैंक सेविंग अकाउंट, योर एप्लीकेशन नंबर इज इतना, हैज बीन सबमिटेड ऑन इतना। तो अब मेरा जो ये एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। डेट भी बता रहा है कि कितने डेट पे ये सबमिट हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि अब आपको करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टाइम पर आपको जो है सो कॉल आएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए, प्रोसेस एप्लीकेशन के लिए आप देख सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि आप जो एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे 48 घंटे के अंदर में बैंक वाले के तरफ से कोई आपके घर पर आएगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा प्रूफ आइडेंटिटी एड्रेस, जिस पर आप वैलिड पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, जॉब का कोई इशू है नरेगा का वो सब दे सकते हैं। और आप जो है सो ये सब देकर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन का ट्रैकिंग करना चाहते हैं
क्लिक हियर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो बनाते समय हम लोग दिए हैं। उसके बाद जनरेट वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वह कोड को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है या रिव्यू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो स्टेटस जो है सो अभी अंडर रिव्यू में है। जैसे ये अंडर रिव्यू से हट जाएगा, बस कंपनी वाले के तरफ से आपको कॉल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, 48 घंटे के अंदर में आपको कॉल आएगा कि कंपनी वाले के तरफ से, जिसमें आपसे एड्रेस पूछा जाएगा और एड्रेस के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि किस टाइम आप घर पे फ्री में रहते हैं। उस टाइम पे वो आएंगे और आपसे डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेंगे और आपको किट दे देंगे, जिसमें आपको कार्ड मिल जाएगा और पासबुक मिल जाएगा। इसके आगे के रिलेटेड जो भी होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। सो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पे एप्लीकेशन जो है सबमिट हो गया। डॉक्यूमेंट में क्या होगा कि पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, बस यही सब देना होगा। वो डॉक्यूमेंट को लेगा और उसके बाद आपको जो है वो पासबुक और कार्ड जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद आप वो पासबुक और कार्ड को इस्तेमाल कर पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो से हेल्प हुआ हो, वीडियो से कुछ मिला हो, आपको नॉलेज मिला हो, या आपका भी अगर अकाउंट ओपन करवाना है, तो यह वीडियो को देखकर आप HDFC बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।